नई नई खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेटिन हिंदुस्तान में, आपके साथ वंशिका पांडे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए कुछ पाबंदियां लगाई गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे कोरोना की रफ्तार कम होने के साथ ही सभी पाबंदियों को हटाया जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने एक नया आदेश जारी किया जिसके मुताबिक अब स्कूल भी खुलेंगे। इस आदेश के मुताबिक अब रायपुर में आंगनबाड़ी केंद्र भी खोले जाएंगे। इसके साथ ही कक्षा छठवीं से लेकर आठवीं तक सभी कक्षाओं का संचालन फिर से शुरू किया जाएगा। आइए देखते हैं जुड़ी खास रिपोर्ट। करीब एक महीने पहले कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से रायपुर में स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया था। कलेक्टर ने शहर में नाइट कर्फ्यू भी लगाया था। हालांकि अब नाइट कर्फ्यू भी खत्म कर दिया गया और स्कूलों में स्टूडेंट्स की क्षमता को लेकर कहा गया कि पूरी क्षमता, यानी कि जितने बच्चे हैं सभी स्कूल आ सकेंगे। हालांकि शालाओं में कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। धार्मिक, खेलकूद, सांस्कृतिक एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों, विवाह और दशगात्र में आयोजन स्थल की क्षमता के 50% मेहमानों की उपस्थिति में ही कराने की अनुमति होगी, लेकिन किसी भी आयोजन में 100 से 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की स्थिति में एक दिन पूर्व निकटतम थाना, जोन कार्यालय अथवा नगरीय निकाय को सूचना दिया जाना अनिवार्य रहेगा। वही कार्यक्रम में 200 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति होने की दिशा में जिला कलेक्टर की लिखित पूर्वानुमति अनिवार्य होगी और सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार निर्धारित अर्थदंड अधिरोपित किया जा सकेगा। सभी मॉल, जिम, सिनेमाघर, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल और अन्य आयोजन स्थलों को 50% की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी गई है। तो यही थी बुलेटिन हिंदुस्तान की खास रिपोर्ट। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए बुलेटिन हिंदुस्तान के साथ।